तो स्वागत करता हूँ आपको एक नई वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रीतो, एंड पीछे खड़े हैं हमारे बुबुन भैया। हाय भैया। हाय। तो फिलहाल आज हम आए हैं इस सुनसान सा प्लेस में आपको इस गाड़ी का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने के लिए। इसका वीडियो आप लोगों ने शायद ही देखे होंगे, जब ये गाड़ी नया नया आया था तब एक वीडियो शूट किए थे। एम आई राइट? यस। सो अभी ये गाड़ी अभी तक करीबन डेढ़ साल में 14,000 किलोमीटर चल चुका है। साल का 10,000 चल जाता है तो सही है, ठीक है, रनिंग वगैरह। एंड इसके बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, क्या क्या प्रॉब्लम आया है एंड क्या क्या सही हुआ है। फिलहाल शोर थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा माफ़ कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि ये नॉइज़ कैंसलेशन हो जाए। फिलहाल शुरू करते हैं गाड़ी का की से। कुछ इस तरीके से की मिलता है आपको हुंडई के तरफ से, इसमें एक चाबी रहता है, फिर बाकी ये रहता है रिमोट, एक लॉक, एक अनलॉक, एंड ये भाई बूट ओपन करने के लिए। बस इतना ही चीज़ें मिलता है आपको की में। शुरुआत करते हैं गाड़ी के लोगों से। हुंडई का ये शानदार लोगो, उसके साथ साथ ये जो बोनेट का कट होता है ना, आजकल सारे गाड़ियों में ऐसे ही कट आ रहा है। फिलहाल एक ही बल्ब है, एक ही नॉर्मल सा लाइट है, इसका अस्टा वेरिएंट में आता है हैलोजन, लेकिन इसमें प्लेन बल्ब है। फिलहाल ये ग्रैंड आइटम स्पोर्ट्स वेरिएंट है, एक मिल जाता है फॉग लैंप, एंड ये जो ग्रिल है ना भाई, काफ़ी शानदार है, काफ़ी सुंदर दिखता है। फिर बात करते हैं साइड प्रोफाइल के बारे में। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कार का साइज है 165/70 आर 14 इंच का एलॉय व्हील्स है, काफ़ी सुंदर सा व्हील है। ओआरवीएम में एक इंडिकेटर लेवलर मिल जाता है, एंड एक रिमोट कंट्रोलर मिरर मिल जाता है। उसके साथ साथ ये सिंपल सा डोर, एंड ये भाई बाहर से लगाया गया चीज़ है। फिलहाल पीछे वाला डोर का सेक्शन भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है। एंड बात करें ये लाइट की, तो आजकल जैसे ट्रेंडिंग में है लॉन्ग लाइट, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये भी काफ़ी स्लीक सा दिखता है, अच्छा दिखता है इस वाले गाड़ी में। यहाँ पे स्पोर्ट्स का बैजिंग, एंड यहाँ पे हुंडई का लोगो, एंड यहाँ पे ग्रैंड आइटन का लोगो। जैसे आपको यहाँ पे दो सेंसर्स मिल जाता है, ये है भाई कैमरा, एंड बाकी तो कुछ ऐसे दिखाने लायक वाला चीज़ नहीं है। हाँ, फिलहाल पेट्रोल का रहे तो पेट्रोल का बैजिंग शायद मार्केट से लगाया गया है। फिलहाल बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर केबिन में घुसते ही कुछ इस तरीके से आपको नज़ारे का लुत्फ़ उठाने को मिलता है। फिलहाल आज ड्राइवर साइड से बात नहीं करते हैं, आज लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं। डोर ये लॉक अनलॉक का बटन, एंड ये डोर ओपन क्लोज, ये वाला सेक्शन ना बहुत ही प्यारा दिखता है। एंड यहाँ पे कुछ कैन के लिए स्पेस, ये विंडो डाउन अप, एंड यहाँ पे 1 लीटर का बोतल, एंड अम्ब्रेला तो यहाँ पे भाई नहीं रुकने वाला, इतना स्पेस नहीं है। फिर यहाँ पे एक स्पीकर, हाँ बस ये डोर में इतना ही कुछ मिल जाता है। ये जो एसी का वेंट आप लोग देख रहे हैं ना भाई, भाई 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 बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत मज़ा आता है इसको देख के। एंड ये जो टेक्सचर है, ये फाइबर का है लेकिन अच्छा दिखता है। फिलहाल ये तो वही पुराना वाला टेक्सचर है, लेकिन ये टेक्सचर कुछ अलग दिख रहा है। एंड यहाँ पे कुछ फ़ोन वगैरह कॉइंस वगैरह रख सकते हैं, एंड यहाँ पे एक ग्लोव बॉक्स काफ़ी डीप है, ये देखिए ग्लोव बॉक्स बहुत ज़्यादा डीप है, काफ़ी कुछ चीज़ें रह सकता है एंड जो भी है। फिलहाल यहाँ पे भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकता है, दो ग्लोव बॉक्स ना होने की बजाय भी बहुत चीज़ें रुक सकता है। फिर बात करते हैं इस वाले सेक्शन, यहाँ पे दो एसी वेंट, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी, ऑटोमेटिक सिंगल क्लाइमेट जोन एसी, डुअल नहीं है। एंड यहाँ पे फोन पॉड्स जो कि हमारा पूरा भरपूर है। तो फिलहाल हुंडई का शायद प्लान था कि वायरलेस चार्जर देने का, लेकिन वो नहीं दे पाए, क्यों नहीं दे पाए आई डोंट नो। फिलहाल यहाँ पे एक 8 इंच का डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में बहुत सारे फंक्शंस है, ये वॉल्यूम बटन है, ये ट्यूनर है, ये सेटअप ट्रैक सीक आगे पीछे, ये मीडिया रेडियो, ये कनेक्शन, ये फ़ोन। तो फिलहाल ये डिस्प्ले सेक्शन एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले के साथ आता है, यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाता है। एंड साउंड की क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, आपको ऐसा फील नहीं कराने देगा कि आप 7-8 लाख के गाड़ी में बैठे हैं, ऐसे लगेगा कोई लग्जरियस व्हीकल है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें आ जाता है, एंड ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाता है। अनेबल व्हाइल व्हीकल इज पार्क्ड, यहाँ पे DRVM आप जब आगे चल सकते हैं तब ये कैमरा में भी देख सकते हैं, ये वाला सिस्टम भी एनेबल्ड है। जैसे यहाँ हैंड ब्रेक खींचेंगे ये डिसेबल हो जाएगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है।
फिर बात करते हैं ड्राइवर सेक्शन से। पहले ही आपको Hyundai का लोगो इस तरफ, साउंड अप एंड डाउन, ये चैनल अप एंड डाउन, ये मोड, ये वॉइस कमांडर, ये कॉल रिसीव एंड दिस इज फॉर कॉल कट वाई कट एंड इस तरफ कोई भी चीज़ें नहीं है। बस ये है स्टेरिंग, छोटा सा स्टेरिंग है, मज़ेदार स्टेरिंग है ये, स्मॉल सा स्टेरिंग शायद हो सकता है। फिलहाल हेडलाइट की तरफ बात करें तो ऑटो हेडलैम्प नहीं आता है। ये वाला हिस्सा जो है ये तो भाई हो गया आपका फॉग लाइट का एंड ये बस लाइट का, बस इतना ही इंडिकेटर्स एंड अप एंड डाउन। फिलहाल इस तरफ बात करें तो यहाँ पे वाइपर्स कंट्रोल कोई भी ऑटोमेटिक नहीं आता है एंड बाकी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी सिंपल सा है लेकिन बहुत ही अच्छा दिखता है। ऐसी सादगी राउंड वगैरह कुछ चीज़ें Hyundai ने नया ट्राई किया था इस गाड़ी के साथ, जो कि अभी i20 में भी आ रहा है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें करंट माइलेज एंड ये हो गया भाई एवरेज स्पीड एंड ये गाड़ी का आप कितने आवर अभी तक चला है, अभी तक नहीं मतलब ट्रिप के हिसाब से एंड इसके बदले ये ट्रिप है, ट्रिप भी एंड ये भाई गाड़ी का रेंज हो गया, बस ख़त्म और कुछ चीज़ें नहीं हैं। इसके बारे में बात करने के लिए ये इस तरफ भी वही क्यूट सा ऐसे इवेंट्स आता है, बाकी इस तरफ वाले डोर में भाई एक ही ऑटो डाउन एंड ऑटो ऑफ नहीं है, बस ऑटो डाउन है, बाकी चारों मैनुअल है, यानी कि हाथ से मोड़ने वाला नहीं भाई, स्विच से ही लेकिन मैनुअल है। फिलहाल ये लॉक अनलॉक, ये भाई बाहर का मिरर ऑन एंड ऑफ होने के लिए एंड ये इसका कंट्रोलर है एंड ये लॉक एंड अनलॉक जो भी विंडो का होता है। फिलहाल इस तरफ भी कुछ उतना ही स्पेस है बस एंड ये रहा गाड़ी का लेवलर एंड यहाँ तो भाई रह गया है की, बाकी यहाँ पे आपको एक छोटा एंड एक बड़ा कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे फोन रखने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाता है एंड ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक है। बस आगे का कुछ इस तरह है, हाँ आपको ये बताना भूल गया, ये भाई एक 12 वोल्ट का सॉकेट एंड एक USB जो कि एंड्रॉयड कारप्ले चलाने के लिए है, ये वायरलेस वाला नहीं है। फिर चलते हैं पीछे। सो गाड़ी का फ्रंट वाला हिस्सा बिल्कुल मेरे ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से है, मैं 5'8" का बंदा हूँ एंड बुबुन भी करीबन 5'8" ही है एंड भाई लेग स्पेस देखो, बेसिकली ये गाड़ी को इसलिए ही बहुत ही ज़्यादा पसंद करा जाता है क्योंकि भाई इसका ये जो लेग स्पेस है एंड इसका जो कंफर्ट है एंड भाई थाई सपोर्ट तो आप देख ही रहे हो, मज़ेदार। ये भाई इनको पैर को भी ये सीट और धकेल रहा है कि आगे चला जाए एंड हाँ यहाँ पे एक स्पीकर, फिलहाल जैसे कि पानी बोतल होना चाहिए, पानी बोतल है एंड ये यहाँ पे आप कुछ कॉइन्स रख सकते हैं, ये विंडो अप एंड डाउन एंड वही अच्छा सा सिंपल सा एंड मज़ेदार लुक के साथ लॉक। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाता है, भाई एसी वेंट्स तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाइड करके एक हैंड रेस्ट दिया जाता तो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल उससे भी और एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट दिया गया है जिससे आप चार्जर वगैरह लगा सकते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल पीछे एक पार्सल ट्रे है, बाकी मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। चलो गाड़ी बहुत अनयूजुअल सा प्लेस पे है इसलिए थोड़ा सा खोलने के लिए प्रॉब्लम है। फिलहाल भाई गाड़ी में करीबन 250 लीटर कितना है टोटल मैं नीचे लिख लूँगा, 250 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है, एक दो बैग्स आराम से आ जाएंगे, तीसरा नहीं आएगा लेकिन ट्रैवल के प्रपोज लेकिन छोटे मोटे ट्रिप के हिसाब से सही है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है बूट स्पेस के मामले में। फिर जिसको पहले बात करना चाहिए था वो सबसे आखिर में बात करेंगे कि भाई इंजन, ये इंजन भाई Hyundai का K12 इंजन है 1.2 लीटर वाला जो कि शायद कोई कोई और गाड़ी में भी आता है, बहुत ही अच्छा पिकअप है, बहुत ही मज़ेदार सा इस गाड़ी का पावर है एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है एज यूजुअल ताकि एक्सीडेंट के टाइप में इंजन के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। फिलहाल इंजन अभी स्टार्ट है, एसी चला हुआ है लेकिन कितना साइलेंट है आप लोग देख सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। फिलहाल ये वाशर फ्लूइड कूलेंट एंड ये ऑयल का सेक्शन है, बस इतना ही। चलते हैं गाड़ी का अच्छा यहाँ एंड बुरे के बारे में। फिलहाल गाड़ी आया था लास्ट ईयर अप्रैल 30 को एंड गाड़ी को अभी तक करीबन हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, लगा लेते हैं।
नहीं तो भाई इतना तेजी से आवाज करता है। हाँ, मैंने इसका और एक इंटरेस्टिंग सा चीज दिखाने के लिए भूल गया, थोड़ा सा ग्लास डाउन करो एंड हॉर्न थोड़ा सा मारो। भाई देख रहे हो भाई, अगर ये गाड़ी आपके घर में खड़ा है एंड रात को 12-1 बजे आप कहीं से आते हैं एंड आपको लग भी करना है तो आपको भाई डर लगेगा। इतना तेजी से साउंड होता है कि अड़ोस पड़ोस वाला आके थप्पड़ ना लगा जाए, ऐसी डर रहता है मन में। भाई साहब इतना ज्यादा तेज हॉर्न कौन देता है? हुंडई वालों थोड़ा सा तो सुधर जाओ, इतना अच्छा सा कंपनी बनाया हो ऐसे दुगले बाजी काम क्यों करते हो? आई डोंट नो। फिलहाल हम बात करते हैं, ये गाड़ी आया था लास्ट ईयर अप्रैल के एंड में एंड अभी तक करीबन 1.5 साल के आसपास हो चुका है एंड फिलहाल गाड़ी चल चुका है 14,067 किलोमीटर 14,067 किलोमीटर। इन 1.5 सालों में गाड़ी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सारा कुछ अभी इसका ओनर हमारे साथ बैठे हैं, इनके साथ बात कर रहे थे एंड ये 1.5 साल तक करीबन हमारे साथ भी रहा है, हम भी इसके साथ 1.5 साल रहे हैं। तो क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आया था अभी बात करते हैं। फिलहाल गाड़ी आया था, गाड़ी आने के बाद एक्सीडेंट हुआ था इसका कोरापुट में, लेकिन इसका बॉडी पार्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, या कह सकते हैं इतना अच्छी वाली सीट बाहर की तरफ नहीं लगी है, जिसके लिए एक छोटा सा दंडा बस टच होके चला गया था, लेकिन वो पूरा भाई गैप हो गया था, होल हो गया था डोर में, तो नया डोर इस तरफ वाला डोर नया लगा हुआ है तो वो वाला हिस्सा हुआ था एंड पीछे और एक बार ट्रैफिक में गाड़ी बस खड़ा था, पीछे एक बाइक वाले भैया का ब्रेक नहीं लगा तो उनका भी गाड़ी इतना स्पीड से नहीं रहा होगा, लेकिन उसका जस्ट गाड़ी टच हो गया, इसके वजह से पीछे वाला जो बम्पर होता है इसमें छोटा सा दिक्कत आया, लेकिन हमें बम्पर चेंज करना पड़ा, उसको कुछ भी करके सही नहीं किया गया एंड हुंडई के तरफ से वो ट्राई भी नहीं किया गया कि सही करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, वो डायरेक्ट भाई चेंज कर देते हैं हुंडई वाले। शायद मारुति सुजुकी वाले ट्राई करते हैं कि भाई कुछ हो जाए इधर उधर करके, लेकिन हुंडई वाले ऐसे नहीं, भाई एकदम से चेंज कर लो। फिर शायद एक छोटा मोटा यही दो एक्सीडेंट हुआ था एंड अभी थोड़ा सा कहीं पे टच कर दिया है, वो सही है, छोटा मोटा टच तो होता रहता है। फिलहाल ये जो बॉडी पार्ट देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ा सा अच्छी वाली पार्ट है, हुंडई में जैसा बॉडी क्वालिटी आता है वो फार बेटर देन मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी में भाई ये सेक्शन धूप में ऐसे दबता रहता है तो उससे बहुत ही अच्छा इसका बॉडी क्वालिटी है, इवन बाहर वाले साइड में इतना बुरा बॉडी क्वालिटी नहीं है। फिलहाल माइलेज की बात करें तो 1.5 साल में ये गाड़ी करीबन 15-20 तक का माइलेज देता आ रहा है, सिटी के मोड में करीबन 14-15 ऐसा कुछ एंड हाईवे पे अगर आप लाइट फुट में चलाओ तो 20 तक आसानी से ये गाड़ी आपको माइलेज निकाल के दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर बात करते हैं कंफर्ट, बोन भैया अभी गाड़ी चला रहे हैं एंड उनके पैर देख सकते हैं बिल्कुल थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं है कि थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है या आपको कम्फर्टनेस में कोई कमी नजर आ रहा है। फिलहाल आप लोग अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी चलाए होंगे तो आपको ये जरूर फील होगा कि आप थोड़ा सा ना नीचे बैठे हैं, थोड़ा सा डाउन में, जो कि एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होता है, कंफर्टेबल आपको सीटिंग नहीं मिल पाता, लंबा रूट पे ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होता है, थोड़ा सा पेट दर्द निकलता है, क्योंकि वो मारुति सुजुकी का हर गाड़ी का सीट थोड़ा सा नीचे है, लेकिन वही सेगमेंट जो कि मारुति सुजुकी के काफी सारे गाड़ियां आता है भाई, ऑल्टो से लेके डिजायर तक सारे गाड़ियों में सीट थोड़ा सा डाउन है। मैं तो भाई फिलहाल ब्रेजा का बात नहीं कर सकता, लेकिन उनके ये जो 8 लाख के अंदर गाड़ियों के हिसाब से इसका सीट का पोजीशनिंग मारुति सुजुकी से तो भाई काफी बेहतर है। हाँ, हो सकता है ये 7 लाख के बजट में और कोई कंपनी इससे भी ज्यादा अच्छी सीटिंग पोजीशन दे देता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से भाई इसका जो कम्फर्टनेस है एंड इसका जो ड्राइव क्वालिटी है बेहतरीन है, आप एक आराम से शॉर्ट राइड से लेके लॉन्ग ड्राइव तक का मजा बिल्कुल बिना लेग के ले सकते हैं। आप बोलेंगे मैं इसको नॉन स्टॉप चलाना चाहता हूँ 300, 400, 500 किलोमीटर, तब भी ये पॉसिबल है कि आपको ये थकाएगा नहीं, आपको ये परेशान नहीं करेगा एंड इसका तो के 12 इंजन है 1.2 लीटर का, वो भाई काफी दमदार इंजन है, इसमें भी कोई
मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर आते हैं गेयरबॉक्स। गेयरबॉक्स भाई काफी लाइट है, मजा दिलाता है ये गेयर आपको। जब आप पुश करते हैं गाड़ी को, खींचते हैं ना, ये पूरा गाड़ी को उठा के लेता है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड जो इसका एक बुरी बात है ये है ये स्टेयरिंग भाई, ये जो स्टेयरिंग का रेस्पॉन्स, आप ऐसे हाथ डालेंगे ना ये स्टेयरिंग इस तरफ आ जाएगा, और इतना ज्यादा लाइट स्टेयरिंग। एंड हाईवे पे थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि हाईवे पे वेट नहीं पकड़ता है, लेकिन हाईवे पे वेट पकड़ता है, बट जितना पकड़ता है वो हाईवे के हिसाब से लाइट नहीं है। एंड टाउन में तो भाई इतना ज़्यादा लाइट स्टेयरिंग हो जाता है ना, आपको लगेगा नहीं कि आप कोई गाड़ी चला रहे हैं भाई। बहुत आसानी से स्टेयरिंग घूमता रहता है, ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि एक स्टेयरिंग का इतना ज़्यादा फ्री होना। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग के वजह से हुंडई ने पूरा फ्री कर रखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से और थोड़ा सा हार्ड स्टेयरिंग होना चाहिए था। फिर बात करते हैं इस गाड़ी के आयर वीएम तो नहीं है, डे एंड नाइट वाला है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है, एंड उसके साथ साथ ना ये भाई इतना सा गैप छोड़ देता है भाई, इसको थोड़ा सा खींच लो, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा Hyundai वाले भैया, थोड़ा सा इसको स्लिक होने दो, थोड़ा सा खिसकने दो, तो फिर जाके आपके ऊपर सनरूफ नहीं आएगा, नहीं तो इसका भाई और काम ही क्या रह गया, बस एक वैनिटी मिरर है। एंड ये तो मेरे हिसाब से जितना काम की चीज़ है इतना ही काम की चीज़ है, इस साइड में अगर लाओगी कोई काम की चीज़ है ही नहीं। फिलहाल ये तो हो गया, 90% गाड़ियों में यही प्रॉब्लम है। अभी महिंद्रा एक दो गाड़ियों में दे रहा है, बस इतना ही सही है। म्यूजिक सिस्टम तो हमने बाद ही कर लिया, काफ़ी अच्छा है। एंड पीछे वाले सीट का जो कंफर्टनेस है, पीछे वाले सीट का कंफर्ट भाई अलग है, अलग लेवल है। इतने पैसों में हैचबैक में इससे अच्छी कंफर्ट आपको नहीं मिलने वाला, ये मेरे तरफ से गारंटी है, आपको इससे ज़्यादा कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कुछ बंदे Hyundai के लाइबिलिटी एंड सर्विस एक्सपीरियंस को लेके परेशान हैं, एंड ऑब्वियसली परेशान रहना भी चाहिए, जो कि हम अभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं Hyundai का सर्विस, दो सर्विस हो चुका है, 1000 में एंड 10000 में। एंड दो बार, जैसे कि आपको पता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो जो डेंटिंग पेंटिंग का काम एंड इंश्योरेंस क्लेम सारा वो सर्विस सेंटर से ही हुआ था, लेकिन उनके तरफ से वो जो बंदा बिठाए हैं Hyundai शोरूम में, वो जितना सपोर्ट करते हैं कस्टमर को, उससे बहुत ज़्यादा एक कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इतना सर्विस मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से Hyundai सर्विस सेंटर में सर्विस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको, जैसे कि आप सोचेंगे उससे तो भाई थोड़ा सा कम ही मिलेगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो बस गाड़ी बेच दिए 7-8 लाख का, आप लेके घर चले जाओ, बस हमारे पास मत आओ, उनका कहना उतना ही है। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे इस सर्विस को लेके परेशान है, बिल्कुल यार, ये आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि भाई गाड़ी बेच दो, सर्विस मत करवा, मारुति सुजुकी महिंद्रा ये सारे एक ही है भाई, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, टोयोटा का कुछ मुझे अच्छा लगा, उनका सर्विस एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन है। एंड बस बाकी तो ये मारुति सुजुकी हुंडा शायद हो सकता है थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये सारा भाई एक ही है। ये कंपनियाँ हर महीने कोई टॉप पे आ जाता है, कोई टॉप टू पे आ जाता है, ये भाई हमेशा टॉप टू पे रहता है, यो महिंद्रा मारुति सुजुकी टॉप वन पे रहता है, लेकिन फिर भी अपने सर्विस सेक्शन को ये लोग क्यों नहीं अच्छा बनाते हैं, ये भाई मुझे अभी तक नहीं पता चला। शायद हो सकता है उनका ये भी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, लेकिन भाई दिस इज काफ़ी ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस है, इवन मारुति सुजुकी हो या Hyundai हो, दोनों की तरफ से। हो सकता है इनका सेलिंग हो रहा है, इसलिए ये लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं सर्विसिंग की तरफ, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एंड उनका जो सर्विस मैनेजर होता है या जो भी कोई उनका स्टाफ होता है, उनके सोच को भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है भाई। फिलहाल और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं तो Hyundai के जो भी बंदे होते हैं वो सब हमको भाई उठा लें। फिलहाल Hyundai का जो भी सब बंदे होते हैं वो हमको उठा लेंगे और ज़्यादा गाली करूँगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में क्या अच्छा था एंड क्या बुरा था हमें कमेंट करके बताइए। उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हम इस गाड़ी के बारे में ना कोई भी पॉइंट छूट दिए हैं तो प्लीज़ हमें नीचे बताइए एंड हम बिल्कुल इसको रेस्पॉन्स करेंगे। कोई भी छूट दिए हैं या कोई भी गलती से बोल दिए हैं तो प्लीज़ बताइए हमें। एंड बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, ऐसी किसी नई सी रास्ते में, ऐसी किसी नए सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय 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 बाय।